हेलो व्यूवर्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है निट्स वॉक ऑफ लव। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट स्नैक्स, जिसमें कि हम आलू वड़ा एंड ब्रेड पकोड़ा बनाने वाले हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं मेन इन इंग्रेडिएंट्स के साथ कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हमें चॉप्ड ऑनियंस, कोरिएंडर लीव्स, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, चिली फ्लेक्स, बॉयल्ड पोटैटोज, बेसन, टर्मरिक, चाट मसाला एंड सॉल्ट। अब मैंने सबको यहाँ चॉप करके मिक्स कर लिया है। चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिली, अनियन, आप देख रहे होंगे सब कुछ हम एक बाउल में ले लेंगे। और एक दूसरे बाउल में हम लेंगे बेसन। क्वांटिटी के हिसाब से कि आपने कितने लोगों के लिए क्या बना कितना बनाना है। और उसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। मैंने यहाँ एक चम्मच सॉल्ट डाला है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और हमने जो ये चॉप किए हुए इंग्रेडिएंट्स थे इनमें हम बाद में डालेंगे, क्योंकि सॉल्ट पानी छोड़ता है प्याज वगैरह के वजह से। तो फिर अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे बेसन में, और अच्छे से एक ही डायरेक्शन में हमने मिक्स करना है, एक ही डायरेक्शन में हमने चलाना है ताकि कोई भी लम्प्स ना रहें। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। देखो आप कितने अच्छे से स्मूथ एकदम बैटर बन के तैयार हो चुका है हम लोगों का। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं, कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ जो मिक्स था उसमें टर्मरिक मिलाया है, बॉयल्ड पोटैटोज लिए हैं जिनको हम मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैश भी नहीं करना है, क्योंकि जो वड़ा बनाते हैं हम, वड़ा बनता है उसमें थोड़े बड़े बड़े पीसेस ही अच्छे लगते हैं खाने में, एकदम मैश अच्छा नहीं लगता है। तो हमने अच्छे से मैश सिर्फ उतना ही करना है जितना हमने ब्रेड स्लाइसेस पे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ मैश करते हुए, उसके बाद मैंने चार ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। तो अब इसके बाद मैं इसको इस पर स्प्रेड कर लूँगी जो कि हमने मिक्सचर बना के तैयार किया है। दो स्लाइसेस पे लगा लेंगे, उसके बाद दूसरे से उसको कवर कर लेंगे एंड बीच में से डायगोनली कट कर लेंगे हाफ हाफ पोर्शन में। हमारे चार पीसेस बन के तैयार हो जाएंगे। अब ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो हमने इसको जो कि हमने बैटर बनाया था उसमें डिप करना है और मीडियम फ्लेम पर पहले अच्छे से ऑयल गरम करना है। फिर जब हम डालने लगे तो मीडियम फ्लेम कर लेनी है और मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको फ्राई करना है ताकि कच्चा पक्का ना रहे, प्रॉपर आपका सिके। और इसको 5 से 10 मिनट लगते हैं फ्राई होने में अच्छे से। तो ये मेरे बन के रेडी थे, ये मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। और बड़े ही क्रिस्पी और बहुत ही करारे मज़ेदार बने थे ये। अब यहाँ पे जो बाकी मसाला बचा था मैंने उसकी बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं आलू वड़ा के लिए। अब हम बचे हुए बैटर में इसको डिप करेंगे, ऑयल हमारा गर्म है तो ये मैंने तेल में छोड़ दिया है। इसी तरीके से हम और लेंगे और सबको एक एक करके ऑयल में आराम से सेफली बहुत ध्यान से छोड़ेंगे, वरना ये तेल उछट के आ जाता है तो जलने के चांसेस रहते हैं। तो हमने बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से, इत्मीनान से काम करना है और वही मीडियम फ्लेम पर हमने पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए। और इनका कलर देखिए, बहुत ही अच्छे बने थे ये, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। आप चाहें तो इनके पाव के साथ वड़ा को खा सकते हैं, साथ में ग्रीन सॉस ले सकते हैं, ग्रीन चिली सॉस। मैंने यहाँ टमाटो केचप लिया था,
या फिर जैसे स्टेशंस या शॉप्स पे मिलते हैं ग्रीन चिली फ्राई, मतलब मसाले में थोड़ा फ्राई करके आप वड़ा के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है वो भी। लेकिन मेरे पास जो चिली थी वो बहुत ज़्यादा तीखी थी, वो नॉर्मली खाने लायक नहीं थी। तो सर्व करने के बाद कुछ इस तरीके से ये, और ये ओकेज़न था मेरे हस्बैंड के बर्थडे का जो कि लॉकडाउन पीरियड में पड़ा, तो सोचा कि क्यों ना ये सब बना लिया जाए। और बड़ा, काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन तो हम कर नहीं सकते थे, तो एक केक ले लिया मार्केट से एंड बस छोटे मोटे लेवल पे जो कर सकते थे वो किया हमने। तो उनको भी एक बार विश कर देते हैं होल हार्टेडली।